भारत की तूफानी ताकत से पाकिस्तान में खलबली, फौलादी पावर से चीन का उड़ चुका है चैन, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस अब हो चुकी है अमोघ शक्ति से लैस। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा तट से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसके चलते आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है, क्योंकि इससे न केवल पाकिस्तान परेशान होगा बल्कि चीन का चैन भी उड़ने वाला है। इस मिसाइल को किसी भी दिशा में लक्ष्य करके छोड़ा जा सकता है। ये घनी शहरी आबादी में भी छोटे लक्ष्यों को सटीकता से भेजने में सक्षम है। दो चरणीय मिसाइल में ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर और एक तरल प्रोपेलेंट रैम जैम सिस्टम लगा है। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को चांदीपुर से किया गया था। इसकी सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह जमीनी लक्ष्य को 10 मीटर की ऊंचाई तक से भेद सकती है। ये मिसाइल पहले से ही सेना में शामिल कर ली गई है। ब्रह्मोस 8.4 मीटर लंबी है और 0.6 मीटर चौड़ी मिसाइल है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की गति से 2.8 गुना तेज हमले को अंजाम दे सकती है। ये घनी शहरी आबादी में भी छोटे लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में सक्षम है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम है और 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल के एयर वर्जन का परीक्षण जुलाई 2018 में सुखोई 30 MKI से बंगाल की खाड़ी में किया गया था। इस मिसाइल को किसी भी दिशा में लक्ष्य की तरफ मनचाहे तरीके से छोड़ा जा सकता है। इसे पानी के जहाज, हवाई जहाज, जमीन और मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है, इसलिए ये भारत को पाकिस्तान और चीन के जहाजों पर बढ़त दिलाती है। ब्रह्मोस मिसाइल दो स्टेज में काम करता है। इसमें ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर और एक तरल प्रोपेलेंट रैम जैम सिस्टम लगा हुआ है। ये मिसाइल अंडरग्राउंड परमाणु बंकरों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और समुद्र के ऊपर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को दूर से ही ध्वस्त करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। वर्तमान में चीन और पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी मिसाइल नहीं है जिसे जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगहों से दागा जा सके। भारत और रूस इस मिसाइल की मारक दूरी बढ़ाने के साथ इसे हाइपरसोनिक गति पर उड़ाने पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर करने की दिशा में काम करेंगे। इससे न केवल पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की जद में होगा बल्कि कोई भी टारगेट पल भर में इस मिसाइल से तबाह किया जा सकेगा। ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट इंजन युक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, लड़ाकू विमान से या जमीन से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को दिन या रात और हर मौसम में दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता अचूक होती है। रैमजेट इंजन की मदद से मिसाइल की क्षमता 3 गुना तक बढ़ सकती है। अगर किसी मिसाइल की क्षमता 100 किलोमीटर दूरी तक है तो उसे रैमजेट इंजन की मदद से 320 किलोमीटर तक किया जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया और भारत के डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। ये रूस की PH-100 29 क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ध्वनि के वेग से करीब 3 गुना अधिक 2.8 मैक गति से लक्ष्य पर प्रहार करती है। इसके दागे जाने के बाद दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। हवा से सतह पर मार करने में सक्षम 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। इसके एयर लॉन्च वर्जन का परीक्षण लगातार चल रहा है। वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान से इसके कई सफल फायर ट्रायल को आयोजित किया जा चुका है।